महीनों से बंद पड़े हैं मुख्य डाकघर, सगड़ी सहित आधा दर्जन केंद्र। आधार कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग। गांव से लेकर शहरी क्षेत्र तक चौतरफा लोग परेशान हैं। डाकघर और बैंकों में संसाधनों का अभाव दिख रहा है। कर्मचारी अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। डाकघर सगड़ी, लाटघाट, अजमतगढ़ में कई महीनों से आधार कार्ड और उसमें संशोधन का कार्य बंद है। यूनियन बैंक सगड़ी, ग्रामीण बैंक जियनपुर, लाटघाट में भी यह कार्य पूरी तरह से अवरुद्ध है। इस संबंध में सगड़ी तहसील स्थित मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर नरसिंह यादव ने बताया कि यह सेंटर पूरी तरह संसाधन विहीन है। न प्रिंटर सही काम कर रहा है, न ही समय पर बिजली मिल पा रही है। हम लोग पब्लिक का दबाव झेल। वहीं पर तैनात महिला कर्मचारी नीलू यादव ने मीडिया कर्मियों पर भड़कते हुए कहा कि कोरोना की वजह से आधार कार्ड कई महीनों से बंद है, तब आप लोग नहीं आए। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना पर लेक्चर देने वाली मैडम सहित समस्त पोस्ट ऑफिस स्टाफ बिना मास्क लगाए ही बैठा था। वो साहब का नहीं बताया जा रहा है, यह तो पब्लिक की समस्या है।